बड़ा है सड़क, साधन नहीं मिल रहा। अरे यार हम भी थक गए हैं, चलो धीरे धीरे चलें, क्या करें। हम भी अरे यार तो नहीं मिल रहा, अब क्या करें, साधन नहीं मिल रहा। साधन नहीं मिल रहा और क्या बोले, ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर बैठोगे। अरे तू तो दूसरी तरफ चला गया। हाँ पूरा सुनसान है सड़क चारों तरफ, ये देखो चारों तरफ सुनसान, हम हैं और रुद्रांश और कोई नहीं है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। चलो भैया आज देखते हैं पैर की क्या दुर्गत होती है। आधे रास्ते में ये हालत है, तो आधा बाकी है। आज सच में समय दिन सब खराब चल रहा है। फर्स्ट टाइम है जब से यहाँ रह रहे हैं, 5 सालों में पहली बार है कि हम आज पैदल, अभी अकेले अभी रुद्रांश के साथ जा रहे हैं स्कूल, कह रहे हैं स्कूल। हाँ अब बता दे, कुहू की तबीयत ठीक नहीं है, उनके स्कूल से फ़ोन आया था, उनकी मैम ने फ़ोन किया कि अकेले जाओ, उसको उल्टियाँ हो रही हैं, बुखार बहुत तेज़ है, तब आना पड़ा हमको, नहीं तो सोसाइटी में जो रिक्शे वाले हैं भैया तो वो चले गए हैं गांव, वो है नहीं, हमने सोचा बाहर मिल जाएगा कोई रिक्शा वाला, लेकिन चलो 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 चलो। गए धीरे धीरे हम अवध शिल्प ग्राम, इधर है घना घना जंगल। और फ्रेंड्स धीरे धीरे हम पहुंच गए थे, और पहुंचने के बाद वहां से हम लोगों ने कर लिया था रिक्शा, क्योंकि वहां पे रिक्शा खड़ा रहता है, पर आज जाते समय ही रिक्शा नहीं मिला मुझे, और सच में धूप लगा सर में, और फिर उसके बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अभी बस जस्ट पहुँच गए हैं लगभग स्कूल, तो स्कूल से लेके फिर चलते हैं घर को। बस रोड यही जो होती है ना, इस समय तो कम भीड़ थी, कभी कभी इतना जाम रहता है, इतना भीड़ रहती है कि डर लगता है रोड पार करने में, बहुत भीड़ रहती है। तो अभी हम आ गए हैं स्कूल, उसके बाद लेके चलते हैं कुहू को घर। अभी नहीं देख रहे हैं, यहाँ मत चलाओ चलेगा बाहर। डोरेमोन इधर हाँ हाँ